उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पहले जब हमने क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का जो पिछले लेक्चर्स है उसमें हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया है और तीसरा जो पार्ट है वो रह गया है। तो इसी क्लासिफिकेशन में आज हम तीसरे पार्ट की जानकारी आते हैं और वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस। अब पर्पस की बेस पे कंप्यूटर की कितनी टाइप्स है, तो पहले लेक्चर में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने बेसिक टाइटल में तीन टाइप्स लिखे थे। उसमें पहला था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी, और जो लास्ट वन रह चुका था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। Two main types based on purpose. The one we call general purpose computer. General purpose computer and the second is called special purpose computer. Special जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इसके नाम से पता है कि दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क एट डिजाइन टू परफॉर्म a wide variety of task. ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, मीन ये डिफरेंट स्पीड्स में डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज होता है। We also say that it is not limited. Not limited. मतलब ये हुआ कि ये महदूद नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। किस तरह लिमिटेड नहीं है? Because it's used for multifunction, it used for different tasks, so therefore it is not limited. ये महदूद नहीं है, ये लिमिटेड है। हर फंक्शन के लिए यूज होता है। अब किस किस फंक्शन के लिए यूज होता है? सो इट्स परफॉर्म टास्क सच एज कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं? सो फर्स्ट इज सेंड ईमेल। इसके जरिए हम ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, इसके जरिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट
इसके जरिए हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्ले म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स एक्सेट्रा। इसके जरिए हम म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स इसको भी सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं एंड एडिट इमेज, एडिट इमेज। हम पिक्चर को इसके अलावा एडिट साउंड, एडिट वीडियो क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्ले म्यूजिक, वीडियोस एंड गेम्स, एडिट इमेज, एडिट साउंड, एडिट वीडियोस एंड ब्राउज इंटरनेट। तो देखिए ये कितने फंक्शन हुए, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट टास्क हुए और इस डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास हमारे जो पीसी है, जो पर्सनल कंप्यूटर है, इसके अलावा हमारे जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इसके अलावा नोटबुक्स है, जो स्मार्टफोन है, ये सारे के सारे हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी कमिंग टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नंबर सेकंड। अब जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि इट यूज इट नॉट डिजाइन टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क, इट नॉट डिजाइन टू परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। सो इट नॉट डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, ये इसलिए डिजाइन इस तरह इसका डिजाइन नहीं है जिस तरह जनरल पर्पस कंप्यूटर का था, जो डिफरेंस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। इट जस्ट डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक वर्क। सो वी से जस्ट डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। अब ये जो इसके जो डिजाइनेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो जस्ट ऑन सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह ये डिफरेंट फंक्शन नहीं करते। सो हियर वी से इट इज लिमिटेड, ये लिमिटेड होता है, ये एक हद तक अपना काम करते हैं, हद से ज्यादा ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ये जस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन को, स्पेशल टास्क को और सिंगल फंक्शन को। अब ये जो स्पेशल फंक्शन ये किस तरह होंगे, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में हमारे पास इंक्लूड होंगे डिजिटल वॉच, जो
डिजिटल वॉच है, इसका फंक्शन क्या है? एट डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले टाइम। अब ये जो डिजिटल वॉच है, इसका जो पार्टिकुलर फंक्शन है वो क्या है? डिस्प्ले टाइम, टाइम डिस्प्ले करना। अब डिजिटल वॉच से हम ईमेल सेंड करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज़ दिस डिजिटल वॉच पर्टिकुलरली डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, एंड दैट सिंगल फंक्शन इज टू डिस्प्ले टाइम। नाउ सेकंड एग्जांपल, इसमें हमारे पास इंक्लूड है सिटी स्कैन मशीन। अब ये जो सिटी स्कैन है, इसका सिंगल पार्टिकुलर फंक्शन है। इस फंक्शन सिटी स्कैन के जरिए मेडिकल यूज होता है, मुख्तलिफ स्कैनिंग जिसमें हम करते हैं मेडिकल इंटरनल ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स का, तो ये जस्ट स्कैनिंग के लिए यूज होता है। इस पे स्कैनिंग के अलावा हम और फंक्शन नहीं कर सकते। तो इट जस्ट डिजाइन टू परफॉर्म स्कैनिंग। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम। अब जीपीएस सिस्टम जो मशीन होता है, जस्ट यूज फॉर द लोकेशन, जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, जस्ट फॉर लोकेशन। इससे जस्ट भी फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन। लोकेशन के अलावा इसकी और फंक्शन नहीं है, इसलिए ये सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कार कंट्रोल सिस्टम, कार कंट्रोल सिस्टम। अब जो कार में जो कंट्रोल सिस्टम होता है, उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है, ये ज्यादा फंक्शन के लिए यूज नहीं होता है। दूसरा, इसमें हमारे पास इंक्लूड है रोबोट। अब ये डिफरेंस जो कंप्यूटर है, यहां पे डिजिटल वॉच, सिटी स्कैन मशीन, जीपीएस सिस्टम, कार कंट्रोल सिस्टम, रोबोट सिस्टम, ये जस्ट डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये स्पेसिफिक सिंगल टास्क को एट टाइम परफॉर्म करते हैं, और ये ज्यादा फंक्शन को, ज्यादा टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस इसलिए इसको कहते हैं कि इस डिजिटल वॉच का स्पेशल फंक्शन क्या है? डिस्प्ले टाइम, सिंगल टास्क के लिए यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो इट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस टू टाइप्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये खत्म हो गया। इसमें तीन पार्ट थे, मेन हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये था। फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो हमने उस पे अलग लेक्चर बनाया है। उसमें है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। और ये जो थर्ड वाला हिस्सा था, पार्ट थर्ड, ये था टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, और वी आल्सो से टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखे है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में राइट करूंगा, फिर वहां से आप उसके दो पार्ट्स है वो देख सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल है हर्षमठ आईटी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नए वीडियोस है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।